पिछले एक साल में आ, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से माइग्रेट किया है मोर देन मिलियन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी के गिर्द रिवॉल्व करेगा कि वो लोग जो यहाँ से जा रहे हैं एक डिफरेंट कल्चर को अपनाने की कोशिश करेंगे उनको क्या मुश्किल होंगी या वो लोग जिन्होंने शायद कोशिश की और वो फिर नाकाम होकर वापस हमारे मुल्क में आ गए उनके लिए कितनी मुश्किल हुई और इसके लिए हमने आज जो अपने गेस्ट को बुलाया है वो ताबिश है क्योंकि ताबिश जो थे वो मुल्क से बाहर रहते थे और उनको एक साल ही हुआ है कि वो अपने बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ गए तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि फ़र्क क्या था क्यों आ गए और उनके लिए कितनी आसानियाँ हैं या उस वक्त वहाँ पर कितनी मुश्किल थी ताबिश मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों सोचा कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ जबकि हालात इतने बुरे हैं अच्छा हालात पाकिस्तान के बुरे हैं मगर मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो पाकिस्तान आके मेरे हालात अच्छे होने वाले थे इसलिए मैं <laughs> इस वजह से मैं आ गया पाकिस्तान में रहना मुश्किल नहीं है अनलेस यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी तो वो जब मुझे अपर्चुनिटी मिली तो इसमें ना सिर्फ ये था कि नेशनल टी पे आना कलोन लोग देखेंगे बल्कि उसकी वो इट वॉज वर्थ इट तो जब आपके पैसे हों तो पाकिस्तान में कुछ भी आप कर सकते हैं अयाशी तो इसलिए <laughs>

और तुमने बचपना जो है वो भी पाकिस्तान में गुजारा है थोड़ा बहुत तो बचपना और उसके बाद थोड़ा टाइम गैप और उसके बाद फिर पाकिस्तान तो तुम फिर भी रिलेट कर सकते हो जी बिल्कुल डू फील डिफ़िकल्टी के बच्चे जो हैं जो कि शायद उस कल्चर को उस तहजीब और तमदन को जो कि हमारा हिस्सा है उस तरह से नहीं आ, कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए या तुम्हारे ख्याल में तुमने वहाँ पर रह के उनकी बहुत अच्छी तरबियत दी है वैसे तरबियत में मेरी वाइफ का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम के साथ गुजारते आ, लेकिन ऐसा है कि हमने कैनेडा के जो नॉर्म्स थे वो बच्चों के क्योंकि वो स्कूल से सीख रहे थे उनको तो हमने कभी उनको उस उनको अंडर द कारपेट नहीं फेंका उन नॉर्म्स को कि आ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये नहीं सब मत छोना करो जो वो सीख कर आ रहे थे स्कूल से जाहिर बात है वहां पे स्कूल में वो बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो यहाँ बहुत बड़ी उम्र तक नहीं बताई जाती वो टैबूज कहा जाता है तो वहां पर जब वो सीख कर आते थे, थे तो हमसे भी सवाल पूछते थे, थे कि ये क्या है वो क्या है सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बहुत सारी चीजें जो थी ना उनको रिलीजन के परस्पेक्टिव से बतानी पड़ती थी कल्चर का हमारा बहुत बड़ा पार्ट हमारा रिलीजन तो वो एक चैलेंज था मगर इफ़िग आउट अवे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट उन्हें हमने सिखाई हमें बजाय इसके कि हम हर टॉपिक के ऊपर जो है वो उन्हें बताते कि ये सही होता है या ये ठीक नहीं होता या इस पर तो

जो चीजें अच्छा कुछ ऐसी ऐसी नहीं जो कैनेडा में सारी चीजें सिखाई जा रही हैं सारी बुरी ही चीजें हैं और वो सिखानी ही नहीं, नहीं चाहिए फॉर इफ आई एजुकेशन पर करिकुलम uh, का पार्ट है ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि वो करना सिखा रहे होते हैं बता रहे होते हैं ये एक तो चीज एग्जिस्ट करती है इसको आप ना हमारे यहाँ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं प्यूबर्टी में पहुंच के अक्सर तो वो ये सब चीजें हमें लगा के एज अ पेरेंट जो हम इस माहौल पाकिस्तान से गए थे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम मुझे याद है कि अपने बचपन में मुझे कितने जो जिसे कहते हैं कि मैं सो कितना एक बड़ा हव्वा था ये सब चीज़ें हमारे लिए यू नो तो आई वुड वांट के अब मेरे बच्चों को इसके बारे में एक मेच्योर ओपिनियन पता है ठीक है तो वो मुझे सही मुझे ये चीज़ सही लगी तो मैंने इसके बारे में ये नहीं और ये क्या सिखा दिया ये क्या लफ्ज है अल्लाह तो वाई हमने नहीं किया ये हुँ. मगर हाँ जो चीज़ें हमारे कल्चरल या हमारे रिलीजन से नहीं मैच खाती थी उसके बारे में हमने बताया कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दुनिया में देखो तुम देख रहे हो कि हर मुल्क के लोग हैं इनकी जुबानें कितनी डिफरेंट हैं इनकी सोचे भी डिफरेंट हो सकती है हमारी भी है उनके नजदीक तुम कह रही हो शायद वो सेंस ना मना रहा हो तो वो उनको एक्सेप्टेंस दी ना तो वो कल्चरल को तो बेसिकली एक कनेक्टिविटी थी एक आपकी आ, जो गैप

लेकिन या दिस इज अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखिए अब वो जमाना नहीं है कि आ, जैसे हमारे हम जब छोटे थे ना तो कोई यूट्यूब एक्सेस गूगल एक्सेस कुछ भी नहीं था तो जो अम्मा अब्मा ने कह दिया उसको वेरीफाई करने का कोई प्रोसेस नहीं था हुँ. तो सब लगता था कि ठीक ही कह रहे होंगे और अगर, अगर अब्बा और अम्मा ने कह दिया बस कोई बात नहीं होगी बच्चों बैठे रहो तो हम समझते थे ऐसे कोई बात नहीं होगी चुप बैठे रहो अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपने बच्चों को ठीक है अगर आपने दो चार बातें उनको ऐसी बता दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती ठीक है कि चंदा मामा चांद पे रहते हैं आप वो गूगल कर लेंगे चांद पे तो कोई नहीं रहता तो आप उनको बेखूफ लगने लगेंगे फिर आप रह, आपकी नीचे रह हुँ, हुँ। तो वो उस वक्त इज्जत वहां से ढीली होना शुरू हो जाएगी जब उसके बच्चों को लगने नहीं पता पता नहीं तो वो एक ये एक्स्ट्रा एफर्ट आजकल के जमाने में आपको करनी है कि आपको जो है वो नए जमाने के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिस वरना आप अपने बच्चों से वही जिस तरह हमारे माँ बाप का एक जनरेशनल गैप था आ, हमारे साथ उनको आ, हम उस जमाने में पैदा हुए थे जहाँ टीवी नॉर्म था हमारे अब्बा शायद रेडियो के ज़माने में पैदा हुए थे तो हम बहुत सारी चीज़ें प्री सेट एक इनट एबिलिटीज जनरेशन जब जिन नए बच्चे पैदा होते हैं मैं अब देखता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक एक दो दो चार चार साल में वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो मुझे शायद बारह साल की उम्र में मिली होगी इसी तरह नए बच्चे ज्यादा इनफॉमेश जल्दी गैदर कर लेंगे मोबाइल इस्तेमाल जल्दी आ जाता है लेकिन आप देखेंगे हमारी दादियों नानियों को बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं जी, यहां से आजकल के तक, 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 वो उस जमाने में पैदा हुए तो जो तुम्हारा बचपना था नो हर चीज में जाता है ठीक है क्या तुम्हारे बच्चे भी भी उस जाते? अच्छा ऐसे एक एक में टर्म निकाल दी गई है 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 जैसे ये कोई, आ, आ, पावर है। ये कोई एक माहौल से होती है, किसी के अंदर लेकिन बात ये थी कि अब अ, जो है वो हमारे घर में ऐसा नहीं था सब फ्रेंडली थे अब्बा से भी जोक कर लिया अम्मा से भी जोक कर लिया अम्मा ने भी अपना किस्सा सुनाया तो अब्बा ने भी उसका काउंटर किस्सा सुनाया तो हमें लगता था ये सब नॉर्म है हमारे घर में भी यही माहौल है अभी भी अम्मी से हम मजाक करते हैं हमारी अम्मी भी जोक सुनाती हैं तो हमारी बेगम भी अब क्योंकि नई फैमिली से आई थी तो उनको थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि यार ये लोग तो मजाक करते रहते हैं और अब वो भी इस रजीम का हिस्सा है तो हमारे बच्चे भी खरबूजे ने खरबूजी को हाँ। देख के तो ये माहौल से मुझे लगता है कि होता ही है तो जब आप स्कूल में होते थे ठीक है तो उस वक्त का मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जो कि आप समझते हैं कि अब के स्कूल तालिमी जो उसमें फर्क है और जब आप थे जब फर्क था मतलब from your personality to your upbringing, आपके इन तमाम, जब आप लोगों को देखते हैं तो आपको क्या फर्क महसूस होता अच्छा, बहुत है तो दो तरीके से फर्क महसूस होता है एक तो मैं बाप भी एक बच्चों का जो स्कूल जाते हैं ठीक है मेरे भी अब्बा थे उस बच्चे के जो स्कूल जाता था अब हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पेम्पर करते हैं अच्छा उस जमाने में हमारे सभी स्कूलों में तकरीबन दो चार थप्पड़ वप्पड़ रख दिए जाते थे बच्चों के मैं खुद पिटाऊँ कई बार हरकतें वैसी होंगी ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे कोई रहा था बिल्डिंगों से यही था कि हल्का सी आवाज़ बातें कर ली या कोई दुशारत हल्की छोटी मोटी कर ली तो उस पर ठीक ठाक पिटाई लग जाती थी अब पिटाई का तो सवाल पैदा नहीं होता ना कोई माँ बाप बर्दाश्त करेगा हमारे अब्बा अम्मा को पता भी चलता था कि हम पिट कर आए तो वो इस बात पर नहीं कहते थे कि कैसे हाथ लगा दिया टीचर ने बल्कि कहते क्या किया उल्टा होता था वो अच्छा वो नॉर्मल लगता था क्योंकि हो ही रहा था उस वक्त जमाने में तो कोई कोई आवाज भी नहीं थी इसके खिलाफ इसकी कोई लैंग्वेज भी नहीं थी कि इस चीज़ को क्या कहते हैं तो नॉर्म था वो अभी भी वो टीचर्स याद आते हैं जिन्होंने पीटा पीटा होगा तो उनके लिए एहतराम ही आता है कोई जुल्म नहीं आ रहा दिमाग में क्योंकि वो एक कोने पर ऐसा भी था कि वो परेशान भी होते थे कि यार तुम बातें इतने इंटेलिजेंट बच्चों हर वक्त बातें कभी बुला लिया जैसे क्लास में मार लिया और बोला मिलो तुम वहाँ पर स्टाफ रूम में तो वहाँ प्यार से बा, अम्मा अब्बा से मिले थे उनको अम्मा अब्बा भी नहीं कहते थे कि भाई आप आपके हवाले है ये अब हमारे बच्चों को ना हल्का सा भी जैसे आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आ गई होमवर्क में तो फ़ौरन अम्मा कहती मैं बात करूँगी कैसे आई ये यू नो टीचर ने अगर थोड़ा सा वो टफ टाइम जो मिलते थे हमें ना वो हमारे बच्चों को हम या तो लेने नहीं देते या हम उनको टीचर्स देते नहीं क्योंकि इससे क्या होता है मुझे ऐसा लगता है

तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इनको की मिलेंगी और इवेंचुअली मिलेंगी सबको मिलती है तो ये परेशान हो जाएंगे तो मैं अपनी से कहता नहीं नहीं जाओ इस इस वाले मामले में हम नहीं जाएंगे Let her handle. इसके दो चार आंसू जब निकलेंगे अगर ये बात आपने भी करना ये नहीं कि छोड़ दिया हाँ, कि भी भी है मतलब कहा लेटर इट

स्कूल जैसे में अभी स्कूल एक अच्छे स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे काफी महंगा स्कूल है भाई एक जब आप ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं ना तो फिर आपके दिमाग में उस जगह से वैल्यू फॉर मनी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है ठीक है अगर मेरे बच्चे को मैं ट्यूशन टु, टु, भी लगवा रहा हूँ स्कूल से आने के बाद तो मैं इतनी फीस क्यों दे रहा हूँ मेरे दिमाग में पैदा होगी बात एजुकेशन सिस्टम जहाँ तक बात है कैनेडा का जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम है उससे कंपेयर कर लेता हूँ तो जवाब मिल जाएगा कैनेडा में ऐसा होता है कि क्लास एट तक ना वो बेसिक लाइफ स्किल्स

साइंस की टीचर भी जो है वो कोई ऐसी बात बता देंगी अपनी जो उनके जैसे ना छुपकली को मारने से पहले तीन बार पूछ लो वो जिन तो नहीं है <laughs> तो इस तरह की चीजें ना तो वो अब वो पर्स, वो उसके दिमाग में बैठती नहीं वो तो वो वहाँ बहस शुरू कर देती क्योंकि वहाँ कैनेडा में तो आर्ग्यूमेंट्स जो है उसको बुरा नहीं समझा जाता रिस्पेक्टफुली अगर किए जाए आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन वहाँ होते हैं क्लास में बच्चे करते हैं टीचर तभी तो वो आ, रियलिस्टिक होते बोलते हाँ।, 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 हाँ यहां पर तो मैं बता रही हूं आपको बस ये वाला एटीट्यूड ये थोड़ा सा मुश्किल हाँ। टीचर्स को जो है वो ये खुद सोचना होगा कि डिस्कशन के थ्रू ही सिखाएं सिखाएपिन थोपने से बच्चे जो है ना नहीं सीखे तो ओपिनियन दे नहीं आप मैथ पढ़ाने मैथ पढ़ाएं चले जाए अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं किसी टीचर का काम है तरबियत करना अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर आप उसको एज अ डिस्कशन दें थोपे नहीं

जब आपको लैंग्वेज पता चलती है आपको रियलाइज होता है कि मेरे साथ ये बुरा होगा तो वो करते होंगे मगर मुझे मेरा डिफेंस जो था था। वो मेरा ह्यूमर मैं नकलें उतारता था मैं यार वो क्रिस्प जवाब देता था तो ऐसा जवाब दे दिया आप सब उन पर आसरें तो वो फिर इस चक्कर में बोली नहीं करते थे यार जवाब दे देगा तो वो

तो वो नेगेटिव हो जाता है कभी डिपेंड ऑन द सेटिंग अब जाहिर ही बात है किसी के जनाजे पे कर रहा हूं तो नेगेटिव हो जाएगा <laughs> लेकिन मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूं <laughs> आ, लेकिन कभी-कभी कभी आपको लोग भी तो मतलब उकसाते होंगे ना कि आप अरे उकसाते ही हैं लोग तो उकसाते ही होता ही है कि जब आप एक आप एक कमिनियन है फॉर एग्जांपल और आपसे लोग रोड पे मिल रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं

तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है उनको देख कर बच्चे बहुत डर जाते हैं अगर अम्मा अब की लड़ाई हो रही हो या वो नाराज़ बैठे हों या आंखों में आंखें दिखा रहे हो तो वो वो डर जाते हैं अंदर से जैसे so, घर का माहौल होता है ना वो ज़ाहिर है बच्चों की तरबियत के ऊपर इफेक्ट करता है और वही तरबियत जो होती है वो बच्चों की क्योंकि शख्सियत का हिस्सा बन जाती है तो वो स्कूल और कॉलेज के में पक्की होती चली जाती है जी जी तो जो जो गाइडिंग फैक्टर होता है बच्चों को अगर आपने कोई गलत चीज़ जैसे एक बच्चे जो हैं स्मोक करते हैं ठीक है नो दे अ टाइम कि जब आ, बच्चे आ, स्मोकिंग कर रहे होते थे जब बड़े आते थे वो जल्दी से पीछे फेंक देते थे ठीक है दिस वॉज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट ठीक है

आप उसको कैसे टैकल करेंगे मतलब सल्यूशन आपके पास क्या है क्योंकि वही बच्चे जो हैं वो जहर है कि जैसे वो बड़े होंगे और अपने बच्चों तक पहुँचेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ मेरे अब्बा ने मुझे ये बात इस तरह से बताई थी mm. तो अगर इफ़ यू फील एंड इफ़ यू सी एंड इफ़ यू थिंक के योर चाइल्ड इज़ प्रोबली डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट विच इज़ नॉट राइट विच इज़ गोइंग टू हार्म हिम तो फिर आप क्या करेंगे देखिए मैं आपको अगेन वो बता रहे इस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो घर के माहौल से अब हमारे अब्बा अब जो थे वो प्रोक्योरमेंट हेड थे पाक ज्योति मोटर कंपनी लिमिटेड में जब प्रोक्योरमेंट में आप बताए ना किसी डिपार्टमेंट में तो रिश्वत का बहुत मामला होता है लोग आके अपना काम करवाने के लिए या अपना ऑर्डर देने के आपको रिश्वत है ऑफर हमारे घर में हम बचपन में देखते थे कि जो रिश्वत ऑफ़र करने आ रहा है या कुछ रिश्वत के तौर पे कुछ भेज दिया गया तो हमारी अम्मी का बड़ा अग्रेसिव रिएक्शन हमारे अब्बा बहुत अपसेट हो जाते थे तो जब मैं बड़ा हुआ मैं भी इसी फील्ड में सप्लाई चेन में आया तो कई बड़ी कंपनीज का प्रोक्योरमेंट हेड लगा तो मुझे भी रिश्वतें ऑफर तो मुझे ना बैक ऑफ द माइंड था यार हमारे घर में कितनी नफरत होती थी इस लफ्ज़ ये गलत है हाँ तो मैंने ऑटोमेटिकली उससे मैं दूर हटता गया या मैं उस, उस, उसी तरह टैकल किया जिस तरह हमारे घर में होती थी तो बजाय इसके कि हर चीज़ पे जाकर अपने बच्चों को बताना पड़े कि ये बुरी चीज़ है वो बुरी चीज़ है घर का माहौल ही ऐसा हो जाए

मेरी जिम्मेदारी मैं उसके सामने जिस तरह रोल मॉडल पैदा साल की उम्र तक बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है करॉपर्टी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जब तक वो अपने हर हर जानदार की तरह एक टाइम लाइन दी जाती है जैसे परिंदे का बच्चा है वो भाई लेट से दो तो महीने में हाँ। उड़ जाएगा शेर का बच्चा जब तक इंसान का बच्चा जब तक जो है वो अपना हाथ से कमाना के काबिल ना हो जाए तब तक वो उसकी उसकी छत के नीचे रह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है तो तब तक तो मैं उसको सारी चीजें अपने हिसाब से अथॉरिटी के थ्रू भी बाई फोर्स भी कह सकता हूँ नहीं पियोगे अब पियोगे तो ये सजा दूंगा उसके बाद जब वो तैयार हो गया ना तो फिर भाई वो उसकी जिम्मेदारी उसका हिसाब है वो, आ, आ, वो एक हम इंडिविजुअल्स पैदा नहीं करते आपा हम भी एज एन इंडिविजुअल पैदा नहीं हुए उस जमाने में ऐसे इंडिविजुअल बच्चे पैदा जो बच्चा पैदा होगा डॉक्टर बनेगा ताकि हमारे ख्याल रखे पुढ़ापे में एक मजबूत यार बेटे का अल्लाह का शुक्र है घर बन गया हमारा ठिकाना हो गया इंडिविजुअल पैदा ही नहीं किए एक बच्चा पैदा हुआ पढ़ाई लिखाई की जिंदगी भर शादी की बच्चे की जिम्मेदारी आ गई थोड़ा बड़ा हुआ बाप की जिम्मेदारी आ गई कोई इंडिविजुअलिटी रही नहीं इसीलिए कोई बड़े काम किए ही नहीं लोगों ने फैमिली ही चलाते रह गए इंडिविजुअल पैदा करेंगे इस रीजन इस रीजन की बात कर करो इंडिविजुअल पैदा करेंगे तो वो कुछ अपने सोचेंगे कोई बड़ा सोचेंगे दूसरों का सोचेंगे वरना वो ये सोचते रहेंगे यार इस महीने की तनख्वाह स्कूल का बच्चा अम्मी अबू की फीस ना अब जैसे हम मिले जो पैदा हुए तो हमें ये भी एहसास है यार अपने बुढ़ापा कैसे मैनेज करना है तो हम बड़े होंगे तो हम आप ये क्यों कि जो समझते जो हैं कि आप समझते हैं जी मैं आपके बच्चे जो हैं वो आपके बुढ़ापे में आपके लिए नहीं होंगे नहीं मैं ये नहीं समझता मैं ये समझता हूँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरे बच्चों को ऐसा ना हो कि उनकी अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस हो जाए कि उनका बाप यहाँ पड़ा हुआ है उसको संभालने होता है ना अक्सर कि भाई बच्चे कनेडा जाना चाह रहे हैं अमेरिका लेकिन यार जा नहीं सकते अम्मा अब्बा हम पे डिपेंड करते हैं बस मैं ये चाहता हूँ कि ये डिपेंडेंसी उनकी ना हो वो आजाद हो अपने लेने के लिए और मैं अपना बुढ़ापा मैनेज आज मैं कर सकता हूँ दुनिया भर में ऐसे लोग होते हैं हाँ। जो अपना बुढ़ापा मैनेज करते हैं यार मैं हम यहां रहेंगे और वो बच्चों को अपने घर से खुद कहते हैं जाओ बेटा हमें रहने दो अपने माँ बाप जिंदगी भर बच्चे पालते हैं हमारे तो चालीस चालीस साल का बंदा अब्बा के साथ रहता है उसी उसी अब्बा को गालियां भी दे रहा होता है कि अब्बा यार घर भी नहीं बांट रहे हमारा हिस्सा भी नहीं दे रहे तो वो डिपेंडेंसी मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहता ठीक है सो यू थिंक दैट फॉर फॉर चिल्ड्रेन जो कि कैसे ऐसे uh, माहौल और ऐसे घराने में uh, बड़े होते हैं जहाँ पे उनको वो अपना ओपिनियन जो है वो बता सकते हैं वो हर चीज़ डिसकस कर सकते हैं mm -hmm. वो अच्छाई बुराई की तमीज़ रखते हैं mm -hmm. वो बच्चे जो हैं वो आगे फ्यूचर में जाके बेहतरीन ठीक है और अपने बच्चों के लिए वो बेहतरी कर सकते जी हैं you know, any... yeah, uh, hmm. एंड के जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों को वो फ्रीडम देना चाहिए अपना भी आ... होना चाहिए और बाकी जो इर्द गिर्द hmm. उनके होते हैं hmm. आपके बच्चे बाहर पढ़े हुए हैं अभी hmm. आए हैं ठीक है hmm.

और अगर हमें कोई विजिबल उसके अंदर खामिया नजर आएंगी कि भाई ये है वो है आ, इसके तो ये मसाइल भी चल रहे ड्यू जो एक जितनी हद हाँ तक मैं कर रहेगा वो करूंगा और मैं अपना ओपिनियन रख भाई ये मैंने देखा और वो उसको, मैं एक ऐसा बाप जरूर बनना चाहूंगा कि मेरा जो ओपिनियन हो मेरी बेटी को वो समझ में भी आए और रिस्पेक्ट भी करे इतनी रिस्पेक्ट करें थ्रू माई एक्शन एंड थ्रू माई इंटेलेक्ट मैंने उसके दिमाग में अपनी डाली भी हो यार मेरा बाप जो कहता है ना वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो

डिसीजन ले सकता है क्योंकि आप समझते हैं आजादी एक अलग चीज होती है एक इतने, इतना चार चार दिया है है इतना दिया कि कि वो वो डिसीजन 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 ले ले सके सके उस अच्छे जो बच्ची या बच्चा समझ रहा और आप समझ रहे हैं नहीं है ना सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ठीक है, so opinion, ठीक है? अब उस को आपको tackle, uh, किस तरह से करेंगे वो कैसे माहौल में रह चुके हैं जहाँ पर हर चीज़ जो है उनको सुना जाता है बताया जाता तो है यहाँ पर आके वो डिफरेंट कल्चर में आ गए बहुत से ऐसे वालदे हैं और घराने हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं उनकी बच्चियों की शादियाँ यहाँ और बेटियों की शादियाँ जो जो बेटे हैं उनके लिए यहाँ से बहू ले कर जाए तो ये जो जो डिफरेंस है ऑफ कल्चर ठीक है तो बैक ऑफ देयर माइंड्स उनको ये रहता है कि जो बच्ची पाकिस्तान से आएगी वो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगी या बच्चों की तरबियत रिलीजन के हिसाब से करेगी और यहाँ की बच्ची जो है वो कहेगी जो कि बाहर से होकर आई है कि भाई मैं तो इस कैद खाने में आ गई हूँ मुझे तो अब बाहर निकलना है तो उस सूरत हाल को जो वालदेन है वो मुश्किल में आ जाते हैं ना जी बिल्कुल तो उसको टैकल करने के लिए क्या तरीका कार होना चाहिए इज इट सिट विद देम या जैसे हम मुझे याद है कि हमें कहते थे लाइन बना लो प्रोज एंड कॉन्स लिख लो कौन लाइन बनाएगा और कौन प्रोज एंड कॉन्स लिखेगा तो नहीं हो सकता चैट जीपीटी से कह दे <laughs> लेकिन ऐसा होगा कि आ, मैं सिचुएशन में अभी तक आया नहीं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है छोटे बच्चे हैं मेरे

और उनका ओपिनियन बड़ा लॉजिकल था अब हमारे घर में क्योंकि ये माहौल था कि लॉजिकल ओपिनियन अगर दे दिया है और लॉजिक पे बात आ चुकी है तो फिर लॉजिक ही जीतेगी मैंने अपने घर का माहौल यही बनाया है लॉजिक ही जीतेगी अब अगर मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ ये रही एफ उसकी ये डाके मारता है ये स्मगलिंग का काम है अगर तुम्हें डाकू और स्मगलिंग चलती है तो फिर कर लो अब ये लॉजिक आ गई ना बात अब उसके बाद वो 25 साल या 26 साल की एक इंडिविजुअल है करना है करो भाई उसने अब मैं क्या कर सकता हूँ

अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है तो इस पर घर के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि भाई यूक्रेन के साइड पे क्यों है तो रशिया बच्चे हमारे कैलेंडर से आए सब यूक्रेन की साइड पे थे क्योंकि हमारे स्कूलों में यूक्रेन चल रहा था फेवरेट हम रशिया के पीछे लगे हुए थे बिलाजे में हमारा तो कुछ लेन देन नहीं था वैसे लेकिन घर में मजे के लिए साइडें पकड़ी हुई थी सबने तो अब घर में रशिया का डिस्कशन चल रहा है तो अब बच्चे अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं मैं अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ अम्मा उनकी अपनी आर्ग्यूमेंट दे रही है इस आर्ग्यूमेंट में सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट जिसका था उस पे सब अग्री गए अब घर में ऐसे ऐसे डिस्कशन हो रहे किसी किसी के और वो जाके बंदे को पसंद कर ले जो जनाब जरायम पेशा, पेशा हो या कोई हल्का हो जिसका कोई ओपिनियन ना हो जो टिकटॉक बनाता हो वॉक की क्यों पसंद आएगा उसे यू नो स्टैंडर्ड अच्छे कर दें ताकि उसको पसंद ही ना आए कोई ऐसा अच्छा तो आ, दो डिफरेंट कल्चर्स जिसके आप हमने काफी बातें कर चुकी हैं लेकिन अगर आपको अभी आ, ये मौका दिया जाए आ, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि आपको यहाँ पे मौक़ा अच्छा मिल गया वहाँ एक डिफरेंट शायद मे नहीं मिले लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाए जी. तो आप कौन सा कल्चर प्रेफर करेंगे अच्छा मैं कनाडा प्रेफर करूँगा फॉर वेरी बेसिक रीजंस वहाँ पर जैसे स्कूल से पिक करने जा रहे होते थे बच्चों को तो तो जल्दी करो जल्दी करो गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो ये नहीं तो करते थे ठीक है या कहीं जा रहे हैं तो लॉक कर लो डोर नहीं ये बेसिक हाँ, बेसिक सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेंस ऑफ ना बच्चों को ये यहाँ के एहसास हो वो उनको लगता है रोड पे शायद अनसेफ है यहाँ क्योंकि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर जगह जाते हुए यहाँ मत खड़े हो ये मत इनसे मत देखा करो हाथ हाँ मत मिलाया करो यू नो you ऑल know, दैट वहाँ बहुत सारा जो है ये और फिर रोड पे पैदल चल रहे हैं कैनेडा में ग्रीनरी देख रहे हैं बीच पे जा रहे हैं किसी लेक पे जा रहे हैं ये अपॉरचुनिटीज पाकिस्तान में बहुत कम मिलती हैं टू कनेक्ट विद द नेचर यू नो यहाँ सिनेमा दैट्स दैट्स मोबाइल ही होता है you know, तो और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो इतने एक्सेसिबल नहीं है कि दरवाज़ा खोला लेक आ गई वहाँ पर तो ऑलमोस्ट कदम कदम पे कुछ ना कुछ नेचर का है जंगल है कुछ है, कोई ट्रेल है यू you नो know. तो वो एक चीज नेचर से तो बिल्कुल ही so आप बेसिकली अगर उसको प्रेफर कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हो नहीं दरअसल तो वह वहां of the पर हां वन ऑफ द पॉइंट दूसरा बेसिक कर्टेसीज वहां पे मौजूद है वो वहां पे उनको पता है कि यार झूठ जो है वो कितना बड़ा एक क्राइम है वहां पर आप पुलिस के साथ कुछ भी कह लें अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना तो फिर वो दूसरी बात नहीं आपसे करते

फिर नॉर्मलाइज कर दिया क्योंकि हल्का तो वहां पर चूना लगा, दिया। चूना लगा दिया, दिया तो तो मुस्कुरा रहे हैं गलत मतलब नहीं मिल रहा भाई दो इंसान आपस में जा रहे हैं मगर गुड मार्निंग कहकर चले गए अब यहाँ किसी को आप गुड मॉर्निंग जा रही हूँ सुबह वॉक मैं आपको गुजरकर गुड मॉर्निंग कह हूँ गुड मॉर्निंग तो आप भी सोचेंगे कौन से छोरा आदमी थे सुबह-सुबह ऐसे गुड मॉर्निंग कह रहे बदतमीज अच्छी शक्ल का हो तो शायद चल जाए अब मेरे साथ तो नहीं होगा ना फिर ये तो लेकिन आप तुम्हारे साथ तुम्हारी उम्र के लोग खुश होंगे ना खावतीन अच्छा हाँ। मैं करके देखो हां

जैसे कि अमेरिका का शहरी जो है वो ये नहीं सोचता मैं अपने मुल्क जाके रहूंगा वो दुनिया भर में घूमता है और अपने अमेरिका का जो उसने सच और सेंस ऑफ फ्रीडम सीखा होता है वो दुनिया भर में उसका एम्बेसडर होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं मुल्क में रहूंगा तभी मैं एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ मैं यहाँ का बहुत अच्छा एम्बेसडर होता हूँ पाकिस्तान से जब मैं बाहर जाता हूँ जब भी कोई पाकिस्तान के बारे में सवाल करता है तो मैं असल में अक्सर ऐसा होता है मैं इतनी तारीफें कर देता हूँ कि लोग मुझे गोरे गोरे अक्सर शक से देखने लगते हैं कि आप क्यों आए हो फिर यहाँ पर अगर इतना ही अच्छा है पाकिस्तान हमें भी नहीं चलो बल्कि तो बट आ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर किसी को अवेल करनी चाहिए कोई ऐसे, किसी को भी मिल जाए बाईस पच्चीस करोड़ में से सब चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा बोलेगा कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा नहीं ऐसा नहीं होगा जाना चाहिए इसमें कोई बुरी बात नहीं तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते

इसमें कोई ये टैबू है कि ओहो मुल्क चले गए नहीं भाई चले ठीक है आपने जो बातें बताई हैं मैं अब तो खैर उम्र गुजर गई कि उसमें कुछ चेंजेस आए लेकिन मैं तो अपने मुल्क में रहना चाहूँगी ठीक है मुझे प्लीज अरे अच्छा ठीक है मुझे सिर्फ ये बता दें कि बचपने में ऐसी बहुत सी चीज़ें माँ बाप करते थे बच्चों की वो तरबियत का हिस्सा समझ लो या उनको बेहतरी देने के लिए कि या कभी वो जल्दी सुनाने के लिए अब तो बच्चे रात को मुश्किल ही सोते hmm. थे ना सीटी वाला बाबा आ रहा है सो अक्सर तो, या तो वो रंग पे रंग काला बाबा इस तरह के नाम हो जाते थे तो, में तो ये भी तो था ना काला गोरा एकदम हाँ, जिन तो, आ गया जिन आ गया तो वो इस तरह के थे हम डरा हमारे बच्चे सो जाते नौ बजे

कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है hmm, uh, जिसमें खालाएं भी हैं पप्पा चचा वगैरह वगैरह बच्चे भी बहुत सारे हैं uh, तो फिर uh, उस वक्त बच्चों को uh, बेहतर तरबियत देना मुश्किल होगी या जैसे आप हैं और आपके दो बच्चे हैं एंड दे नो बडी एल्स जो कि शायद गाइडेंस हो hmm. या कहानियाँ सुनाने वाले नाना mm -hmm. नानी ना या कोई वाकयात सुनाने वाले जो आप नोस्टैल्जिक वैल्यूज़ जिनको कह रहे हैं अब आपके पास शायद ना हो तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी यू नो लिविंग इन अ कम्बाइंड फैमिली ठीक है एंड स्पेशली वेन यू आर अब्रॉड वहाँ पे uh, जब शुरू शुरू जाते हैं तो हमेशा कोशिश uh, ये होती है माइग्रेट करने वाले लोगों की कि वो

आ, ऐसा नहीं देसी में कराना ही नहीं चाहते मिंगल अराउंड ऐसा स्कूल हो जहाँ देसी कमाते हो गो रही हूँ ये मैं क्योंकि रहता हूँ मुझे पता है वहाँ पर ये एक आ, सोच है लोगों की आ, हमारी खुद यही थी तो अब सीन ये है कि आपने जिस तरह कहा कि कंबाइंड फैमिली कंबाइंड फैमिली ना एक तो मैं कभी रहा नहीं कम्बाइंड फैमिली और इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव हो सकते हैं कंबाइंड फैमिली सब बहुत पढ़े लिखे लोग हों बहुत पढ़ी लिखी फैमिली हो बच्चों का बड़ा ये दादा दादी बहुत अच्छे ओपिनियन सिखाते हो

वो बच्चों कहानियाँ सुनाती हैं, सुनते हैं कहानियाँ मजे लेते हैं वो हैं तो दादी भी उनको कवर करती रहती है तो वो दादी भी उनको बताती रहती है कहानी यही इनको सुनो तो सुनते <laughs> वो, वो सुनते उनको अच्छा लगता है वो टाइम पास कर रहे हैं वो भी तो स्पाइडरमैन देख रहे हैं वो कौन सा रियल है अगर हम इस सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं तो जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं ठीक है उसको अपनाना जी, या उसमें से निकलना जी, जी, कितना डिफ़िकल्ट होता है मे बी आप लकी हैं कि आपको आ, कोई मुश्किल नहीं मिली ठीक है आप आगे और आपके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन आपने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी होंगी तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए कहाँ पे दे गोइंग रॉन्ग और या वो समझ नहीं रहे हैं या शायद उनको समझाने वाले कोई नहीं है देखिए हर कल्चर में ना कुछ ओवरलैपिंग चीज़ें होती हैं हर कल्चर में कुछ ओवर जैसे हर कल्चर कहेगा कि भाई दूसरों से प्यार से बात करो तहजीब से बात करो रिस्पेक्ट देर ओपिनियन ये कल्चर ही तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है ये तो हर जगह सेम ही रहेंगी या यू नो किताब के हिसाब से तो सेम ही रहेंगी ऐसे ही होना चाहिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैनेडा में लोग स्विम सूट पहन के जाते हैं आप नहीं पहन के जाते तो ये ये नहीं आप कल्चरल डिसपेक्ट कर रहे हैं ठीक है ज़रूरी नहीं पहने आपको बुरा भी नहीं मान रहा अगर सब शराब पी रहे हैं और आप नहीं पी रहे किसी महफिल में, में तो कोई बुरा नहीं मान रहा ये कल्चर कल्चरल डिसपेक्ट नहीं है ये अगर आप उनको जाकर गिलास तोड़ना शुरू कर दें आप तोड़िए क्या कपड़े पहने चादर डाल दें किसी तो तो ये आप मिसमैच हो रहे हैं ये अगर आप अल्लाह साहब ये नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं समझ रहा हूँ वहाँ पर एक नॉर्मल है तो इस तरह आप ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं किसी भी कल्चर के अंदर जो ओवरलैपिंग चीज़ें उनको फॉलो करें ग्रीट करें बैठे किसी को नुकसान ना पहुंचाएं दूसरों के लिए खुश दैट्स इट कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो हमने अपने ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान में और इंडिया के लोगों ने दिमाग में बसाए हुए होते हैं कि ये है वो ये बाहर मुल्कों में लोगों इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं एक तो दूसरा देख नहीं रहा है आपकी तरफ हमें लग रहा होता तो सब हमें देख रहे होंगे अब ये पहन के जाऊँगा लोग क्या कहेंगे वहाँ लोग अजीब अजीब चीज़ें पहन के निकले कोई नहीं देख रहा उनको फ्रीडम hmm. मैंने आपको बताया ना सेंस ऑफ फ्रीडम दैट इज द कल्चर उधर बाहर मुल्कों में तो वहाँ पे कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है अब ये फिर सब्जेक्टिव बात है देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एटलीस्ट इतनी तो है कि कोई बंदा आप चले जाएं ट्रिफेलगर स्क्वायर इंग्लैंड में जाके कुछ भी बोलती रहे वहाँ इतने लोग रिलीजियस स्पीचेस देते हैं इतने लोग हाइट पार्क के ऊपर हाइट पार्क हाँग के ऊपर देते देते लोग

सबसे ज़्यादा आपको आ, मैं, मैंने देखा अभी मैं अभी मैं अमेरिका के टूर से वापस आया हूँ मैं दो हफ्ते तीन हफ्ते पहले मैंने देखा कि जो मुस्लिम यूथ है वो ज़्यादा रिलीजस है यहाँ पर नहीं है मैं स्टैंड अप करने जाता हूँ मुझे ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ पर क्योंकि वहाँ बड़ा कंजर्वेटिव क्राउड है अमेरिका में देसी जो है जो हमारे मुस्लिम बहुत कंजर्वेटिव है ये नहीं वो तो मुझे वहाँ पे अपना पूरा रूटीन जो है बिल्कुल रीडिजाइन करना पड़ता है कि यार ये और पाकिस्तान में बहुत खुला सुनते हैं हाँ खुला सुनते हैं यहाँ पे ज्यादा बहुत फ्रीडम है भाई इस मामले की जी जी जी